ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं पैर में होने वाले गुखरू यानी कि कौन के विषय में। कौन एक ऐसी समस्या है जो यदि किसी को हो जाता है तो उसको चलने फिरने में बहुत समस्या होती है। पैर रखा नहीं जाता, पैर रखने में ही उसको पीड़ा होती है, और ये पीड़ा ऐसी होती है जो न चलने देती है न कुछ काम करने देती है। जहाँ पैर रखो बस सर तक हिल जाता है। दिखने में बहुत छोटा सा होता है पर वो चमड़ी इतनी कड़क हो जाती है कि अंदर तक कहीं कुछ खिंचाव देती है। तो इस पीड़ा के कुछ कारण होते हैं जिसमें विशेषकर जूते का नाप सही ना होना या चलने का तरीका कई बार थोड़ा गड़बड़ होता है। तो आपके किसी एक अंग पर जो पैर का जो तलवा होता है उसमें किसी एक अंग पर विशेष दबाव पड़ता है जिससे भी कई बार ये होता है। यदि जूता चप्पल सही ना हो तो उसमें अंदर कई बार घर्षण के कारण भी ये समस्या आती है। और कई बार उंगलियों में जब होता है तो उंगलियाँ जब विशेष तरीके से कहीं दबती हैं, अर्थात जूते चप्पल आप जो पहनते हो उसमें दबती हैं, तो भी समस्या हो जाती है। तो यदि आपको ऐसी समस्या है तो सावधान, सबसे पहले जूता और चप्पल जब आप खरीदते हैं उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप जूते खरीदने सुबह के समय ना जाएं। सुबह के समय यदि आप जूते खरीदने जाते हैं तो उस समय आपका पैर अपनी स्थिति में कई बार नहीं होता है, तो आप जूते शाम को खरीदें। जब आप दिन भर काम वाम कर चुके हैं उसके बाद जूते खरीदेंगे तो आपको एक्टिवली वो चल के देखने में आसानी होगी। अन्यथा सुबह हम थोड़ा आलस में कई बार जाते हैं, लेते हैं, थोड़ा कम चला, देखा ठीक है हाँ चल जाएगा, तो उसमें कई बार बाद में समस्या होती है क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है। तो आप शाम को जूते खरीदें, और जूते खरीदते समय विशेष ध्यान रखें कि आपकी कोई उंगली दब तो नहीं रही, आपकी किसी उंगली में कुछ विशेष प्रेशर तो नहीं आ रहा, तलवे में प्रेशर नहीं आ रहा, उस सब चीज़ें आप चेक कर लें। आप एकदम आरामदायक स्थिति में हो वही जूता या वही चप्पल आप खरीदें, अन्यथा आप उसे 10 दुकान देखनी पड़े पर जूते चप्पल मत खरीदिए, अन्यथा आपको बाद में नुकसान हो जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अब हम आपको कुछ प्रयोग बताते हैं जिससे आप अपने इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक मुलेठी का प्रयोग। मुलेठी जो है ये एक वैसे तो गला भी खराब है उसमें भी काम आती है, पर ये इसका जो एक विशेष गुण होता है वो कड़क चमड़ी को नरम बना देता है। तो आप मुलेठी ले आइए बाजार से, लकड़ी लाइए, पीसा हुआ मत लाइए, घर में आके आप उसको पीस लीजिए और उसको कपड़े से छानकर चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण में आप थोड़ा सा तिल का या थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लीजिए, थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, ज़्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और मिला लीजिए। और जहाँ आपको ये जो गुखरू की गांठ है जहाँ भी है उस हिस्से पर लगा दीजिए और उसके ऊपर आप पट्टी बांध दीजिए। पट्टी बांध के ये प्रयोग आपको काफ़ी लंबे समय तक करने पड़ जाते हैं क्योंकि जो चमड़ी है वो कड़क है, उसको नरम होना, उसके बाद वो निकलना है, तो उसमें समय लगता है। तो जितना कितना समय लगेगा वो हम नहीं बता सकते, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको गुखरू है वो कितना पुराना है, तो आप उस अनुसार करना है। और ये हर प्रयोग में वही चीज़ लागू होती है, ऐसा नहीं कि हर प्रयोग में कुछ अलग है। तो हर प्रयोग आपको उतने ही समय तक करना है जब तक आपको इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। उसके बाद दूसरा प्रयोग है नींबू का। नींबू का जो आप ऊपर का एक हिस्सा काट लें, जहाँ जितना आपको आवश्यकता है, आपका गुखरू कितना बड़ा उस अनुसार आप हिस्सा काट लें, तो ऊपर जो छिलका रहेगा उस परत को रहने दें। उसके साथ ही नींबू का जो छिलके के साथ है जो नींबू है आप उसको बांध दीजिए। जहाँ आपका गुखरू है उसको आप बांध दीजिए। नींबू का जो गुण है वो उसको नरम बनाने में काफ़ी सहायता करता है, और नींबू का जो गुण है वो आप जानते हैं कि सफाई करने में भी अच्छा काम करता है, तो आपको वो काम आएगा। उसके अलावा पपीता, कच्चा पपीता जो होता है उसको आप थोड़ा कस लीजिए, उसका थोड़ा रस निकालिए और उसको जहाँ लगा है, जहाँ आपको गुखरू है वहाँ थोड़ा लगाइए, थोड़ी मालिश करिए इसको, कहीं 10-15 मिनट ऐसे लगा के थोड़ा रस लेते रहिए, लगाते रहिए, मालिश करते रहिए। इस तरीके से इसको करके रात भर इसको छोड़ देना है। उसको थोड़ा पपीता बांध के उसको पट्टा बांध दीजिए, पहले आप मालिश करके फिर पट्टा बांध दीजिए, इससे भी आपको काफ़ी जल्दी आराम हो जाएगा। उसके अलावा प्याज आप ले सकते हैं, प्याज आप ले लीजिए। प्याज आपको भून लेना है, आपको प्याज भूनना है ओवन में या कंडे, यदि गांव में है तो कंडे में आप भून सकते हैं, भून लीजिए। और उसके बाद उसकी एक लुगदी जैसा पेस्ट बना के उसको आप वहाँ पे लगा दीजिए, इससे भी आपको आराम होगा। उसके अलावा आप लहसुन ले सकते हैं, लहसुन की 3-4 कलियाँ जितना आपकी आवश्यकता है, जितना आपका बड़ा गुखरू है उस अनुसार देख लीजिए, आप वो ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए। लहसुन आप लेंगे उसको पीस लीजिए, उसको भी आप इसी तरह लेप बनाकर लगा सकते हैं, ऊपर से कपड़े से पट्टी बांध सकते हैं। उसके अलावा बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हैं, पर बेकिंग सोडा आप प्रयोग करते समय ध्यान दें, बेकिंग सोडा भी सफाई अच्छी कर देता है, तो आपको वो भी काम आएगा। पर बेकिंग सोडा जो है आप इस्तेमाल करते समय ध्यान दें, यदि आपको समस्या लगे तो आप उसको प्रयोग ना करें, पर उसको भी वैसे पेस्ट बना के आपको लगाना है। सब चीज़ों के पेस्ट बना के ही आपको लगाने हैं, आप सबके गुण अलग अलग होते हैं, तो आप एक चीज़ का भी प्रयोग करेंगे या तो बदल बदल के रोज़ एक एक प्रयोग करते रहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, पर एक चीज़ का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी परिणाम मिलता है, तो आप जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। आप सारे प्रयोग आपको साथ में नहीं करने हैं, आप एक दिन में एक ही प्रयोग कर सकते हैं, हमने इतने सारे प्रयोग आपको बताए पर एक दिन में आपको एक ही प्रयोग करना है, तो उसका प्रयोग करिए। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें, यदि आप ये प्रयोग करने से पहले इसकी सफाई कैसे करें, आप चाहें
तो गर्म पानी ले लें, थोड़ा जितना आप सह सके उतना थोड़ा गर्म पानी लें, गुनगुने से अधिक हो गर्म पानी ले लें, उसमें थोड़ा नमक डाल लें, थोड़ा फिटकरी भी डाल सकते हैं आप उसको डाल लीजिए, और उसमें आप थोड़ी देर पैर रख के बैठ जाइए, पौना घंटा जितना पैर रख के बैठ जाइए। उसके बाद जो एक पत्थर आता है जिससे आप एक्स्ट्रा चमड़ी जो है उसको निकाल देते हैं, उससे उसको ले लीजिए, और उससे आप चमड़ी जो है उसको घिस के निकाल दीजिए। उसके बाद आप ये सारे प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा लग करेगा। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें वो आपने जो लगा दिया उसके बाद उसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल भी लगाएंगे तो अरंडी का तेल से भी नरम हो जाता। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी ऐसी त्वचा को आपको काट के नहीं हटाना है। यदि आप इसको काट के हटाते हैं तो वो आपके लिए समस्या बढ़ा देगा, क्योंकि काट के हटाने से जो अंदर की त्वचा वो बहुत ही सेंसिटिव स्किन आ जाती है, तो वो आपको कई बार आपके कुछ चलने फिरने और अधिक नहीं देगी, मतलब वो चलने फिरने में और आपको बाधा करेगी तो आपको समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए आप क्या करें, जो भी चमड़ी आप इस तरह गर्म पानी में रख के पैर बैठेंगे, उसके बाद आप जब वो पत्थर से किसी चीज़ से घिसेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा चमड़ी सारी की सारी निकल जाएगी और आपका जो पैर एकदम साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। तो ये प्रयोग आप रोज कर सकते हैं, पैर पानी में डालने वाला, और ये कोई भी एक प्रयोग आप करिए, इससे आपकी इस त्वचा में आराम मिलेगा। और एक प्रयोग जो मैंने बहुत पहले सबसे पहले सबको बताया था वो मैं भूल गई थी, अभी याद आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक चीज़ ले लीजिए, इसे कहते हैं आंकड़े का पत्ता, आंकड़ा बोलते हैं, जो अर्क मदार भी कहा जाता है इसको। हनुमान जी को जो पत्ता चढ़ता है आप वो देख लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में आपको पत्ता मिल जाएगा, शनिवार को या मंगलवार को आप जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जो पत्ता चढ़ता है उस पत्ते का जो दूध आता है उसको अपना जो कौन है वहाँ पे लगाएंगे, तो उससे भी आपको कौन लगाते जाइए, आधा घंटा करीब आप उससे मालिश करिए, इससे भी कौन में जल्दी आराम हो जाता है। तो आप जो प्रयोग चाहें कर सकते हैं, हमने आपको बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, तो और जानकारी अच्छी है तो आप अपने मित्रों को बताइए। और आपको कोई रोग विशेष अन्य है तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें हमने रोगों के अनुसार वीडियो दिए हैं, और हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया है, करिए समाधान हो जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे स्वास्थ्य रक्षा के नाम से फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है स्वास्थ्य रक्षा के नाम से, और फेसबुक पे हम प्रभा स्वदेशी चिकित्सक के नाम से भी हमारा पेज आईडी है, तो आप वहाँ भी टिप्पणी करके हमसे सवाल कर सकते हैं, जो प्रश्न हमसे आप वीडियो पर टिप्पणी करके नहीं पूछ सकते, पर नंबर ना मांगे, नंबर आपको निर्देशों का पालन करने से ही मिलेगा। धन्यवाद, वंदे मातरम।